OABC पॉइंट को देखोगे तो यहां पर एक डिजाइन बन गया है। मैं कैमरा थोड़ा और क्लोज करता हूं, आप ये देखिए। तो OABC एरिया में ये जो एरिया है इसमें एक पर्टिकुलर डिजाइन बन गया है, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिजाइन का मतलब है कि दोनों ही लाइनों के जो शेडेड एरिया है वो कॉमन आ गया है। यहाँ पे देखो डिजाइन ये बना है, सीधी सीधी लाइन है, यहाँ पे तिरछी तिरछी लाइन है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन एरिया हो गया है। अब आपका जो आगे का सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन डिपेंड करता है हमारे इस शेडिंग एरिया पे ही। ये शेडेड एरिया क्या है, सारी की सारी कहानी अब इस शेडिंग एरिया पे ही चलेगी, ठीक है। देखिए जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कॉमन एरिया क्या है, सेटेड कॉमन एरिया क्या है, ये जो आपने लिखा है ना, इसके आप आगे नीचे आप लिखोगे फीजिबल एक सेकंड मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लूं, ये मार्कर में ही खत्म हो जाएगी। फिजिबल रीजन, रीजन का मतलब होता है एरिया यानी क्षेत्र। तो देखिए फिजिबल रीजन यहां पर है हमारा ओ ए बी एंड सी। अब इसका मतलब क्या है, फिजिबल रीजन का मतलब क्या है? देखिए फिजिबल रीजन का मतलब ये है, जैसा हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यू पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये मैक्सिमम हो जाए। तो ये फिजिबल रीजन आपसे ये कह रहा है कि आपका जो भी आंसर आएगा ना, यानी एक्स और वाई की जो भी ऐसी वैल्यू आएगी जहां पे जेड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, ये वैल्यू इस बाउंड्री के बाहर नहीं होगी, वो ए बी सी। ये आपका आंसर एक्स वाई का आंसर हमेशा ओ ए बी सी इस बाउंड्री के अंदर अंदर ही रहेगा, इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा कभी भी। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप नंबर थर्ड में हमने शेडेड एरिया निकाला, कॉमन शेडेड एरिया, और कॉमन शेडेड एरिया के बाद हमने निकाला फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का मतलब होता है ऐसा एरिया हमारा आंसर जिस एरिया में आएगा, हमारा आंसर इस बाउंड्री के बाहर नहीं हो सकता है। जिस बाउंड्री के अंदर हमारा आंसर होगा, एक बार इस बाउंड्री को थोड़ा डार्क कर लेता हूं, ये हमारा जो आंसर आएगा इस बाउंड्री के अंदर आएगा, ये है हमारा फिजिबल रीजन, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, आगे क्या है। देखो जब आपका फिजिबल रीजन आ जाता है तो आपको फिजिबल रीजन के पॉइंट देखने होते हैं, जैसे ये पॉइंट है एक ओ, एक पॉइंट है ये ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है ये सी। इसमें से जो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दोनों लाइनें आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, यानी दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है, वो पॉइंट आपको निकालना होता है। जैसे ए पॉइंट, ए पॉइंट मुझे पता है यहाँ पे वाई की वैल्यू 60 है, बी पॉइंट पे मुझे साफ दिख रहा है कि सी की वैल्यू 20 क्योंकि मैंने ही बनाई है, यहाँ मुझे पता है कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 है, बट यहाँ मुझे पता नहीं है इसकी वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। तो एग्जाम में जो हमें ग्राफ पेपर मिलेगा, अगर हम ग्राफ पेपर पे ये ग्राफ बनाएंगे तो हमें कुछ एक रफ आइडिया मिल जाएगा। जैसे बी की वैल्यू यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू है हमारी 10 और जो हमारी वाई की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50। वैसे तो हमें ग्राफ आइडिया मिल गया है कि बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू होगी 10 और वाई की वैल्यू होगी 50, लेकिन हमें ये पॉइंट सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो अब कैसे निकालना है, बी पॉइंट की वैल्यू हमें निकालनी है, ये वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। हमें बी पॉइंट पे देखना है कि एक्स की वैल्यू क्या है और आपको बी पॉइंट पे देखना है वाई की वैल्यू क्या है।
पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इन पॉइंट को हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जो हमारा फिजिबल रीजन है, ये फिजिबल रीजन के कोने हैं, कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये और एक कोना ये, ठीक है। एक और बात, लीनियर प्रोग्रामिंग की कुछ वीडियो ना आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, तो आप यूट्यूब पे जाओगे 103 की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में देख लेना, वहां से भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में आपको ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपका, आप यहां लिखोगे स्टेप नंबर 4, ये हो गया है आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम बी पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको लिखना है टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट बी, वी आर सॉल्विंग इक्वेशंस 6 and 7, जो इक्वेशन 6 है और इक्वेशन 7 है उनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे। क्यों निकालोगे, क्योंकि देखिए ये इक्वेशन नंबर है आपकी 7, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 6, तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 है उसको आप देखिए, इक्वेशन नंबर सॉरी 6 है उसको आप देखिए, फ्रॉम 6 सिक्स्थ इक्वेशन है आपकी 5x + y = 100। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू आएगी 100, 5x आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड पे। इस वैल्यू को सिक्स्थ इक्वेशन में पुट कर देना, पुटिंग इन 7, 7 इक्वेशन क्या है, x + y = 60। तो ये x और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है ये, तो y की जगह पे पुट कर दूंगा 100 - 5x = 60। तो माइनस के 5 और प्लस का 1x, तो क्या हो गया 1x, तो 5x माइनस के 4x, राइट साइड का आपका 60 है, माइनस सॉरी 100 आपका राइट साइड पे जाएगा, प्लस 100 हो गया माइनस का 100, तो 4x 60 में से आप 100 को सबट्रैक्ट करोगे तो बचेगा माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल और ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय x, सॉरी x की वैल्यू हम निकालेंगे x = 40। ये जो आपका 40 है ये 4 आ जाएगा 40 के नीचे, तो ये आप कैंसिल करोगे, आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास x की वैल्यू आ गई है 10, ठीक है। अगर इस x की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं y = 100 - 5, x की जगह डालेंगे 10, देखिए 100 5 माइनस 5 की अब 10 में मल्टीप्लाई करके 50, 100 में से 50 को सबट्रैक्ट करोगे कितना आ गया 50। ये पॉइंट हमारे पास क्या आया, क्या आ गया x और y की वैल्यू, देखिए पॉइंट में पहले x लिखते हैं फिर y, तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू आ गई है 50, तो हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट आ गया है स्टेप नंबर 4। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। तो स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, आप एक टेबल बनाओगे, वो टेबल ही हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए सॉरी स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर जो 5 है उसमें हम टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको लिखना है कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट है हमारा O, A, B एंड C। उसके बाद आपको लिखना है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है x और y की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए जो ये पॉइंट है ना हमारा ओरिजिन, यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू हमेशा 0-0 ही होती है, ध्यान रखना है, यहाँ पे x भी 0 होगा और आपका y भी 0 ही होगा। अब जो a पॉइंट है, a पॉइंट है हमारा ये, तो देखिए a पॉइंट ध्यान से समझना है,
एक पॉइंट इस वाली लाइन पे, वाई वाली लाइन पे, तो इस पूरी लाइन पे ना, इस पूरी लाइन पे, वाई वाली लाइन पे अब कहीं भी रहो, एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होगी और वाई की वैल्यू क्या है 60। बी पॉइंट आप निकाल चुके हो 10 एंड 50। सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है आपका ये, तो ये जो सी पॉइंट है इस पर आप देखोगे एक्स वाली लाइन है, एक्स वाली लाइन पे वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है और एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 20। ये इस तरह से हमें एक टेबल बनानी है, आपके पास स्केल होगा, इसके लेके जाना है एग्जाम में, स्केल, रेजर, पेंसिल, शार्पनर सब लेके जाना है, कैलकुलेटर भी लेके जाना, मैथ के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है, सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर मत लेके जाना। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड की इक्वेशन लिख लेना, जेड की इक्वेशन है आपकी 250 एक्स प्लस 75 वाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 250 एक्स की जगह 0, 75 वाई की जगह 0, 0 ये तो हो गया आपका 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 0। इसके बाद एक्स की जगह 0, वाई की जगह 60, तो 75 में आप 60 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 4500, यानी कि 4500। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका x है, x की वैल्यू पुट करेंगे 10 और y की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 50, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6250, ये वैल्यू आ गई आपकी 6250। इसके बाद ये जो 250 है आपका, x की वैल्यू डालेंगे 20 और y की वैल्यू डालेंगे हम लोग 10, सॉरी y की वैल्यू डालेंगे हम लोग 0, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5000 और ये हो गया 0, तो 5000 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे हो गया आपका 5000। हमें करना क्या था, हमें z की वैल्यू निकालनी थी मैक्सिमम, तो हमारे पास z की एक वैल्यू यह है, ये आप देख लो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम है। तो आपको क्या करना है, जो टेबल होगी, क्योंकि मेरे पास तो आगे ग्राफ बना हुआ है, आप अपने टेबल में इसके आगे लिख देना मैक्सिमम और उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर देना, या फिर ये जो मैक्सिमम लिखोगे इसको ना स्केच ब्लैक पेन से लिख लेना मैक्सिमम, उसको कर देना अंडरलाइन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमें प्रॉब्लम दी गई थी एक बिजनेसमैन के बारे में, उसको क्या करना चाहिए, एक्स की 10 यूनिट यानी प्लास्टिक की जो टेबल है, प्लास्टिक की 10 टेबल खरीदनी चाहिए और बेचनी चाहिए, और जो हमारी आयरन की टेबल है यानी वाई, वो 50 टेबल खरीदनी चाहिए और 50 टेबल बेचनी चाहिए। इस केस में एक्स की 10 यूनिट बेचने पर यानी खरीदना और बेचना, और वाई की 50 यूनिट खरीदने और बेचने पर उसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा मैक्सिमम। तो ये आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा मैंने बताया, रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है जब हम यूज करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी मैंने आपको बताया, और इसका जो सॉल्यूशन है 6 स्टेप में होता है, 5 स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो हमारे स्टेप नंबर 6 है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या लिखोगे आप, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे आप The value of z is maximum at corner point B, और यहां ब्रैकेट में लिख लेना x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50, ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज
6250। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। देखिए हमारा ये जो फिजिबल रीजन है ठीक है, ये ओ ए बी सी, तो इस फिजिबल रीजन की बाउंड्री पर, मतलब ये पूरी बाउंड्री और इस पूरी बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिर फीजिबल सॉल्यूशन। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स इस फिजिबल रीजन की बाउंड्री पर है या इस फिजिबल रीजन के अंदर है, ऐसे सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिर फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। मैं पहले ये सब रफ कर देता हूं। तो देखिए अभी तक मैंने एक एग्जांपल की हेल्प से आपको ये समझाया है कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, किस तरीके की कंडीशन होती है, उस सिचुएशन को पढ़ के हम लोग कुछ इक्वेशंस बनाते हैं और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, हम लोग उसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। अब हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को जो सॉल्व करा है, सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ग्राफ का यूज करा है। ये जो मेथड है, जो मेथड हम लोगों ने यूज करा है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। ठीक है, और कॉर्नर पॉइंट मेथड में हमें दो तरह के क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, टाइप वन बाउंडेड फीजिबल रीजन और टाइप टू अनबाउंडेड फीजिबल रीजन। तो बाउंडेड फीजिबल रीजन क्या होता है, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन क्या होता है, ये समझते हैं। पहले मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा टाइप वन, और टाइप वन के सभी क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप टू के क्वेश्चंस। तो पहले मैं आपको टाइप वन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि बाउंडेड फीजिबल रीजन क्या होता है, और टाइप टू के बारे में अनबाउंडेड फिजिकल रीजन क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है और हमारा जो कॉमन शेडेड एरिया आया है वो ये है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं। ठीक है, ओ ए बी सी, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल करा था उसमें, ये हमारा कॉमन शेडेड एरिया है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, हमारा कॉमन शेडेड एरिया कुछ इस तरह से आता है, ये। तो अगर हम इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करते हैं, इनके शेडेड एरिया को, तो इस ग्राफ का जो शेडेड एरिया है ना, उसकी बाउंड्री है और वो बाउंड्री के अंदर बंद है। जैसे आप देखोगे ये बाउंड्री, एक बाउंड्री तो हो गई OA, यहां से यहां तक, फिर दूसरी बाउंड्री हो गई है AB,
फिर तीसरी बाउंड्री हो गई है बी सी, फिर चौथी बाउंड्री हो गई है सी ए सी ओ, चाहे तो आप सी ओ कह दो या फिर आप कह लो इसको ओ सी। तो ये वाला जो शेडेड एरिया है, यानी कौन सा एरिया, एरिया ओ ए बी सी, हमारा ये जो शेडेड एरिया है, ये एरिया बाउंड्री के बीच में सब तरफ से बंद है। तो जब हमारा फिजिबल रीजन यानी कि कॉमन शेडेड एरिया इस तरह का होता है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसका जो ग्राफ बनता है उसको हम कहते हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन। अब कभी कभी क्या होता है, हमारा कॉमन शेडेड एरिया कुछ इस तरह से आता है, ये हमारा शेडेड एरिया है। तो अगर हम देखें तो ये शेडेड एरिया आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये शेडेड एरिया बंद नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है जिस बाउंड्री में ये बंद हो जाए। जैसे इसकी तो एक बाउंड्री ये हो गई, एक ये, एक ये, एक ये, यहाँ पे क्या है कि एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, फिर ये है, बट इस साइड कोई बाउंड्री नहीं है, इस साइड से खुला हुआ है। तो अगर आपका फिजिबल रीजन यानी कि कॉमन शेडेड एरिया कुछ इस तरह से होता है, जहां पर वो चारों तरफ से कवर नहीं है, किसी एक तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ से खुला हुआ है या फिर दो तरफ से खुला हुआ है या फिर दो से ज्यादा तरफ से खुला हुआ है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन, यानी कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि टाइप 1 है, यानी कि बाउंडेड फिजिबल रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, तो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है जून 16 में आया था, उस टाइम के सब्जेक्ट का कोड था 003 नहीं था। तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर था उसमें इसका सीरियल नंबर था 11th और ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का आया था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो मैं सब कर देता हूँ रफ, देखिए।